पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको बता दें कि खान के खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत वारंट जारी हुआ है। 20 अगस्त को इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान इमरान ने महिला जज और पुलिस अधिकारियों को खुलेआम धमकी दी थी। इसी बीच इमरान की पार्टी पीटीआई की लीगल टीम ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में खान के खिलाफ गिरफ्तारी से पहले जमानत की याचिका दायर कर दी है। तो वहीं याचिका में कहा गया है कि इमरान खान का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है और ना ही उन्हें किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। आपको बता दें कि इमरान खान के भाषणों के लाइव टेलीकास्ट पर फौरन रोक लगा दी गई। वहीं पुलिस भी कानूनी कार्यवाही करने जा रही है। इससे पहले इमरान खान ने संविधान के आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया है। इमरान खान लगातार देश की फौज, पुलिस और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं। उनके भाषणों से नफरत फैल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।